अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ छोटी कार बड़ा स्टार। और आज मैं जिनको इनवाइट करने वाली हूँ वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत टैलेंटेड हैं। उनकी खूबसूरती से लड़कियां भी जलती हैं। लेट्स वेलकम आवर वेरी स्पेशल मुनीब बट। लड़कियां क्यों जलती हैं? लड़कियां जलती है बिकॉज आप इतने प्यारे हैं इसीलिए। यस, हेलो मुनीब, क्या हाल है? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुनीब, आपको कैसा लग रहा है मेरी छोटी सी कार में? नहीं, कार कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, कार होती है। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है एंड आई होप कि शो हमारा अच्छा जाए। और आप बहुत केयरफुली आपने ड्राइव करनी है, यू नो, और कहीं अगर आपने गलत कर लिया तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि एक ड्राइवर के साथ ड्राइवर बैठा हो तो ड्राइवर कंफ्यूज नहीं होता, जो साथ बैठा होता है वो ज्यादा कंफ्यूज होता है। नहीं, हम बहुत स्लो चलाएंगे हम इंशाल्लाह किसी बाइक को नहीं ठोकेंगे। सो मुनीब, सबसे पहले आप ये बताएं कि ऐसी ट्रीटमेंट क्या चल रही है कि आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं? ट्रीटमेंट कोई भी नहीं चल रही यार। वैसे नहीं, कोई ब्यूटी का कोई राज नहीं है। ब्यूटी बस ये राज है कि ईट हेल्दी एंड वर्कआउट डेली, और कोई हेल्दी एक्टिविटी करें तो खुद ब खुद, और स्ट्रेस फ्री रहें जिंदगी में। अगर आपके स्ट्रेस होना, आपको पता है इंसान में आधी से ज्यादा बल्कि जितनी भी बीमारियां होती है ना, उनकी जो बेसिक रीजन होती है वो होती है स्ट्रेस। जब इंसान परेशान रहता है, स्ट्रेस लेता है, तो खुद ब खुद वो उसका फेस भी जो है वो ऑफ होना शुरू हो जाता है, उसकी स्किन टोन भी डार्क हो जाती है, उसकी बीमारियां भी लगती हैं। तो कोशिश करें, और लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि यार स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसकी जिंदगी में नहीं आती, हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं और अच्छे बुरे टाइम आते हैं, अच्छे टाइम भी गुजर जाते हैं, बुरे टाइम भी गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आप उस बुरे टाइम में स्ट्रेस लेकर उसको गुजारेंगे, गुजरना उसने फिर भी है, लेकिन आप अपने आप अपना नुकसान करेंगे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ और बस चिल करता हूँ। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने एमन को प्रपोज किया था या एमन ने आपको किया? आपने देखा होगा वो एक जोक है ना, भाभी डर गई, भाभी डर गई। जब आप सीरियस हो जाते ना तो फिर एमन बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। तो वो उसने मुझे पहले प्रपोज किया था, अक्सर मॉर्निंग शोज में जाके भी बोलती है वो तो मैंने मजाक किया था। जब मजाक आपने किया मैं तो सीरियस हो गया था। तो बस ये सीन है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, ये हमारी मुनीब के साथ इंट्रोडक्शन हो रही है। अब इसी तरह हम डबल डोज देते हुए अपने पहले सेगमेंट पे चलते हैं, जो हमारी पहली गेम है जिसका नाम है फर्स्ट गियर या टॉप। टॉप गियर का पहला सवाल है मुनीब, आप मुझे ये बताएं कि एमन की एक अच्छी चीज और एक एमन की एक बुरी चीज। अच्छी चीज ये है कि काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर है उसका, मतलब कि फ्लेक्सिबल से मिला दिए कि समझ जाने वाला, अगर कोई समझाए तो समझ जाए बात को, और आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर ले किसी जगह पे अगर कुछ ऐसा हो प्रॉब्लम के, समझ जाए बात को। यूजुअली लोग होते हैं ना कि बस अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं, अटक गए तो अटक गए, जिद्दी। बट एमन तो शक्ल से भी जिद्दी नहीं लगती। नहीं नहीं, हाँ जिद्दी नहीं है शक्ल से, तो आपको पता है लुक्स आर डिसेप्टिव। बट बुरी चीज ये है कि यार शी इज वेरी, ये तो मैंने इतने शोज में बोला, आपको सबको पता है शी इज वेरी शॉर्ट टेंपर, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आई थिंक एज का भी फैक्टर है। एज का भी फैक्टर है। आपका स्टार लियो तो नहीं है? उसका स्टार है स्कॉर्पियो, बट आई थिंक एज का भी फैक्टर है, क्योंकि जब मैं भी मैं इस चीज को बहुत, मतलब आपको मैंने बताया ना मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म का इंसान हूँ, मैं हर चीज को जो है ना हर जाविये से सोचता हूँ। जब हम भी, मैं भी जब 20-21 साल का था, 21-22 साल का था, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। क्योंकि जब आप यंग होते ना तो आपको बहुत ज्यादा, आप इतने मेच्योर नहीं होते, तो आप चीजों को उस तरह समझ नहीं पाते, आपका विजन इतना बड़ा नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं होता, तो आप जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, गुस्सा आता है आपको छोटी छोटी चीजों पे। आप यूजुअली देखेंगे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बाहर अक्सर लड़ाइयां हो रही होती हैं, ऑफिसेज के बाहर आपको इतनी नजर आएंगे, क्योंकि ऑफिस में तब पहुंच के सब लोग ठंडे हो चुके होते हैं, मेच्योर हो चुके होते हैं, बड़े हो चुके होते हैं, टॉलरेंट हो चुके होते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा एज का भी। ठीक है, अच्छा मुनीब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे इसका सच सच जवाब देना, ठीक है? हल्ला गुल्ला करने की मुझे बता रहा हूँ खास वजह थी, मुझे बता रहे हैं आप, यहाँ मैं जा रहा हूँ। आपने हल्ला गुल्ला करने की क्या खास वजह थी, सबको बताएं प्लीज। यार ये सवाल तो मैं किसी, ये तो मुझे प्लांटेड क्वेश्चन है। अच्छा यार, हल्ला गुल्ला वैसे मैं इतना तो बता, देखो हल्ला गुल्ला जब हो रही थी ना उस टाइम पे, मैं समझ लो कि यही वाला मेरा टाइम था कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, और मैं बस काम मुझे चाहिए था, बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज गिविंग ऑडिशंस एवरीवेयर एंड कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था,
तो एक अचानक से मुझे एकदम फ़ोन आता है, मुझे एक मूवी ऑफर होती है, मूवी के अंदर उसने बोलता है हम मूवी बना रहे हैं। उस टाइम पे मूवीज बनती बहुत कम थी, तो अब जाके ये मैं आपको हल्ला गुल्ला आई गेस 2015 में आई थी, 2015-16 में, 5-6 साल पहले उस वक्त मूवीज नई नई बन रही थी। तो उन्होंने बोला जी के हल्ला गुल्ला शूट हो रही है, मैं अच्छा मैं गया, उन्होंने कास्ट में बताया शेख साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, इस्माइल दारा हैं, तुम हो और सिद्रा है कास्ट है, और उन्होंने जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया, जिस तरह स्टोरी टेलिंग उन्होंने की, जिस तरह बताया कि जी ये अपना बैंकॉक में भी इसके गाने शूट होंगे, गाने इसके वहाँ शूट होंगे, वही वो जो एक जो गाना है वो किसी रूफटॉप पे, वो बैंकॉक में शूट हुआ, उसमें गाना भी और उसके काफी कुछ सीन्स भी बैंकॉक में शूट हुए। तो उन्होंने जिस तरह मुझे बताया तो मुझे लगा कि अच्छा है सीन है, और मैं बिल्कुल नया था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो बस मैंने वो साइन कर ली। हाँ। साइन कर ली तो जब वो चली, जब उसका प्रीमियर था, साइन करते करते पेन टूट जाता है ना, ऐसे मुझे वो आवाज भी नहीं आई ना पीछे से गोलमाल है भाई। अब बस मैंने साइन कर ली, साइन करने के बाद भाई वो जब वो चली है मूवी, आप यकीन करें कि मैं अपनी मूवी, अपनी मूवी मेरी, मैं इंटरवल पे उठ गया, मेरी मूवी थी, मतलब लाहौर में उसका पहला प्रीमियर हुआ, टूट जाता तो शायद लाहौर में उसका पहला प्रीमियर हुआ और मैं उठाऊं इंटरवल से और उठ के मैं वहीं से निकल के डिप्रेस हो गया। मैं ये क्या बनाई है यार, क्या, क्योंकि मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की भी अपनी फिल्म अपना एडवर्टाइजिंग के अंदर मीडिया साइंसेज में, तो मुझे पता है चीजों का कि क्या है। अच्छा शूट होते हुए नहीं आपको पता लग रहा था, जब एडिट होके चलती है तो फिर आपको ऑब्वियसली अब अभी भी देखिए हमें नहीं पता इस शो में क्या होएगा, जब तक एडिट वो इतनी बुरी, मतलब उसका मतलब क्या खैर। उसके बाद लोगों ने मुझे कैंसिल, मुझे मतलब कि जो छोड़ा मतलब काम में। डू यू थिंक कि अगर आपको स्क्रिप्ट है हल्ला गुल्ला 2 वुड यू डू इट? अगर सेम टीम होगी तो डेफिनेटली नॉट। I don't think हल्ला गुल्ला 2 आएगी। हल्ला गुल्ला 2 आएगी, कौन कौन किसके पास इतने पैसे पड़े हैं। ये भी है, चलिए गुड। ओके सो मुनीब से बातों का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हम अपने सेकंड सेगमेंट पे जा रहे हैं जिसका नाम है रिवर्स या फॉरवर्ड। सो रिसेंटली आपने एक डिजिटल टीवी पे आपने वो की है सीरीज, राइट, बाय द नेम ऑफ पेइंग गेस्ट आई बिलीव, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक इज द, या सो व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन like web series and a drama? लेकिन जिन लोगों ने वो देखी होगी उसको उनको पता चल जाएगा कि उसके अंदर वो उसका थोड़ा सा बोल्ड कॉन्सेप्ट है कि एक खातून घर पे अकेली है और एक जो टेनेंट बन के एक बंदा जाता है और वो खातून उनको जो है वो लाइनें मार रही हैं और वो बंदा भी जो है वो इंस्पायर हो रहा है, फिर वो पता चलता है कि वो बंदा एंड में जो है वो वही कैरेक्टर है जो पहले मर चुका है 10 साल पहले। तो वो असल में है थोड़ी सी हॉरर लेकिन है थोड़ी सी बोल्ड, तो वो इस तरह का कंटेंट अगर हम टीवी पे या हमारे किसी भी एयरवेब या जियो पे चलता तो आप ये बताएं कि हमारे ड्रामा सीरियल्स बेहतर हैं या मूवीज, डू यू थिंक किसमें फ्यूचर है हमारा, फ्यूचर ड्रामों में या मूवीज? आपको बताऊं फ्यूचर तो ऑब्वियसली अगली जो चीज ड्रामे जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर ड्रामों की जितनी बड़ी ऑडियंस है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हो आप सकती, चाहे माने या ना माने हमारा एक बहुत बड़ा तबका हमारे मुल्क का ऐसा है जो सिनेमा को सही हलाल नहीं समझता। बिल्कुल, जो सिनेमा जो इंडियन कल्चर है वो हमारे कल्चर में डिफरेंस यही है कि हम लोग सिनेमा को अच्छा नहीं समझते। मोस्टली जो हमारे एक रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, जो हमारे एक मखसूस तबका है, वो कहते हैं कि सिनेमा नहीं सही। तो जब आपका एक इतना बड़ा आपकी कौम का हिस्सा जो है वो उसको सही ही नहीं समझता और बाकी जो रह जाते हैं वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, उसमें से भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो मूवी का टिकट लेके, मतलब अगर आप एक बंदा जाए न्यूप्लेक्स या किसी भी सिनेमा, एक मूवी का टिकट और एक पॉपकॉर्न साथ जो है वो तकरीबन दो लोगों का अगर जाए तो पैकेज बनता है आई गेस 1500-2000 रुपीस का। बिल्कुल, लोगों की यहाँ पे सोच ये है कि यार हम 1500-2000 रुपीस की मूवी देखने से अच्छा हम यही बैठ के बाहर कढ़ाई रखा ले। लेकिन है, मतलब मूवी की ऑडियंस है, मूवी की ऑडियंस है लेकिन बहुत लिमिटेड है। एग्जैक्टली, जो ड्रामा है ना, ड्रामा आपके घर पे आ रहा है, ड्रामे की रेटिंग, ड्रामा करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों भाई, ड्रामा तो हमारे बॉर्डर के उस पार भी हमारे नंबर वन है, किसी भी जितनी पक्की ऑडियंस है हमारे ड्रामे की। आपको मैं बताऊं, मैं जब 2018 में हम जब गए थे अब्राहम अवार्ड्स के लिए कनाडा, तो कनाडा में अवार्ड्स के बाहर, मतलब लोग, पहली दफा मैंने अवार्ड अटेंड किए थे बाहर मुल्क में और पहली दफा हुए थे हमारे हम अवार्ड्स कनाडा में,
तो जब हम वहां पे गए, हमने रेड कार्पेट के अंदर जब हम उतरे गाड़ी से, तो मैं, मेरे साथ जाहिद और शहजाद, हम तीनों एक साथ थे. तो हम देख के, मतलब कि हम फर्स्ट टाइम, हम तीनों ने वो चीज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की, क्योंकि आउट ऑफ द कंट्री अवार्ड्स हो रहे हैं, और जो लोगों का शोर और जो लोगों ने जिस तरीके से वेलकम किया, मतलब सोचे हजारों लोग आपकी आवाजें लगा रहे हैं, आपके नाम, वो फीलिंग ही कुछ और होती है, यू नो, जब लोग पागल हो रहे होते हैं. देख के जो है वो हम हैरान रह गए. इनफैक्ट हम अंदर गए पहले, एक ही चलते हम लोग अंदर गए, फिर मैं, जाहिद और शहजाद, हम तीनों बाहर आए लोगों से मिलने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए बाहर आए, लोगों से मिले, सबसे इतना अच्छा लगा. और वहां पे हमें पता चला कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, वहाँ सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा आई हुई, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा आई हुई, और बहुत सारे, मतलब कि सिख तो इतने क्रेजी हैं पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी कंटेंट के लिए. हां, वो हमारा बिल्कुल, वो जो हमने अभी खोला है, वो सिखों का इतना प्यार, ननकाना साहब, यस, मतलब वहां पे भी, यू नो, सिख जो है वो पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज्यादा और हमको पसंद करते हैं, और वहां पे हमारे ड्रामों को, बट हमें कौन नहीं पसंद करता. I think हम लोगों के दिल, हमारी हर चीज अच्छी है, माशाल्लाह. And I think we should be proud to be Pakistanis, right? मेरा college है, right hand side पे. Oh wow, हम मुनीप के college जा चुके हैं. I wish मैं आपको camera निकाल दी, वरना मैं मुनीप को college छोड़ने जा रही हूँ. Okay guys, this was a good segment. So you know, मुनीप thinks, so मुनीप, you think that our future, inshallah, will be definitely like in the cinema industry, will be better, and you know, with this digital platforms and all of that coming. Good guys, so good luck to everyone. We're going to head on to our next segment, okay? Aur is next segment mein ye jo game hum khelenge Munip ke sath, isme bahut maza aayega. Munip, main aapko iska thodi si cheez main aapko iske bare mein bata deti hu. Main aapse sawal karungi. Aapne char cheeze nahi bolni. Aapne yes, no, ha aur na ka istemal nahi karna. Oh, itna naya game aapne kaise socha? Theek hai, aapne kuch bhi bolna hai, par aap ye char cheeze nahi bol sakte. Got it. Theek hai. मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या आप और अहमद भट्ट दोनों कजन हैं? हो सकते थे. एमन और मिनाल दोनों ट्विन्स हैं? शक्ल एक जैसी है. घर में फैन है? पंखा. खाना खा लिया? खाऊंगा. सब्जी अच्छी लगती है? डिपेंड करता है कौन सी है. पानी नहीं पिया? पानी पीता हूँ. बिरयानी पसंद है? बहुत ज्यादा. यार ये तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा. अच्छा, मैं थोड़ी ट्विस्टेड सवाल करती हूँ. इसका मतलब आपका नाम नुमान नहीं है? क्यों होगा. Wow. Okay, I give up. Guys, he's too good. Munip, this was amazing. Are you ready for a rapid fire round? Right? Okay, so you have to rank people. आपका पहला question है rapid fire का. मैं आपको कुछ नाम दूंगी, आपको उनमें से best performance के through उनको rank करना है. ठीक है? So यासिर हुसैन, जुनैद खान, फवाद खान, उफ यार, एक तो ये वाले जो है ना, मतलब बिलाल अशरफ, इमरान अशरफ या शेख रशीद. शेख रशीद को हटा के बाकी सबको रैंक कर दो. सारे अच्छे हैं यार. ये मैं, मुझे लगता है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये कोई तो होगा ना फेवरेट. जैसे अगर आप फेवरेट, हाँ, एज एन एक्टर तो यार बिल्कुल इमरान अशरफ जो है वो बहुत अच्छा एक्टर है. यासिर भी बहुत अच्छा है. यासिर बहुत अच्छा है. और क्या नाम बता दें आपने? सारे दोस्त हैं. फवाद ऑब्वियसली इज अ ग्लोबल स्टार. जुनैद अशरफ. जुनैद अशरफ, ये कौन है, नया लड़का? जुनैद खान है. जुनैद खान, सॉरी जे तो मेरे बेस्ट बड़ी है भाई. बिलाल से तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ. बिलाल की जो फिजिक है ना, वो बड़ी कमाल है. बड़ी, मैं तो उनसे अक्सर पूछता हूँ कि भाई आप इतने स्लिम, मुझे मिलते भी है ना अक्सर, दो तीन दफा मिले हैं, तो हमेशा मैं ये डिस्कस करता हूँ यार, आप इतने स्मार्ट कैसे रहते हैं, खाते भी अच्छा, स्नैपचैट पे और अपने फेसबुक पे स्टोरी लगा रहे होते हैं हर दफा, कहीं ना कहीं कुछ पैटे खा रहे हैं, फिर स्मार्ट के स्मार्ट है. हम तो चार दिन खाए तो वैसे मोटे हो जाते हैं. बट वो उन्होंने तो मेहनत अपनी काफी. ओके, सो इसी तरह अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द एक्ट्रेसेस. एक्टर्स आपने बता दिए. एक्ट्रेसेस में आपकी, फीमेल्स में मैं आपको नाम दूंगी, अलीज़े खान, सोनिया हुसैन, एमन, मिनाल, रमशा खान. बहुत अच्छी एक्ट्रेस है सोनिया. और रमशा तो मतलब मेरी बहुत बेस्ट बड़ी है. रमशा के साथ मैंने ड्रामा भी किया. नहीं, मैं आप इनको रैंक करें ना. रमशा हो गई, सोनिया हो गई, एमन, यार कैसे रैंक करूं, मतलब क्या एमन बोलो पहले. नहीं, ये तो यू हैव टू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. नहीं, अच्छा. नहीं, सोनिया और रमशा और सभी अच्छे हैं यार. योर मोस्ट फेवरेट ड्रामा? माय मोस्ट फेवरेट ड्रामा, मेरा अपना कोई चांद रख बहुत फेवरेट था. ओके, हल्ला गुल्ला या यारियां? मुझे दोबारा तीसरे वाले में उतर जाऊंगा, यहीं उतर जाऊंगा अभी. यारियां, यार ऑफ कोर्स यारियां. अच्छा, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते?
कॉप पुलिसमैन या दबंग अगर जैसे कोई अगर कोई मुझे बोले ना कि आपको एक और चांस मिले आप कुछ और करना चाहेंगे तो जो हमारे जवान शहीद होते हैं हमारे मेजर जो ऑफिसर्स हैं हमारे कर्नल्स ब्रिगेडियर्स हमारे जनरल्स हर मुझे अपनी आर्मी बहुत पसंद है और मैं अपनी आर्मी के लिए हर जगह फाइट करता हूँ हर जगह सपोर्ट करता हूँ और अगर कहीं पे कोई सोशल मीडिया के ऊपर भी आप मुझे देखेंगे मेरे वॉल पे देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल. कोई भी अगर इस तरह की बात होती है मैं हमेशा आई स्टैंड विद माय आर्म्ड फोर्सेस आई लव माय पाक आर्मी नाइस अच्छा मुनीम अगर आप इंसान का इंसान ना होते तो फिर क्या होते अगर आप इंसान होते तो कौन सा कार्टून होते अच्छा कार्टून होते कौन सा कार्टून होते मैं होता मुनीब के साथ बहुत मजा आया अब हम चलते हैं ऑलमोस्ट शो की बिल्कुल एंडिंग की तरफ तो मुनीब ये एक बहुत ही हमें प्रैंक टाइप का वो है आपको फोन अ फ्रेंड करना है ठीक है आप अच्छा. किसी भी अपने कॉन्टैक्ट्स में से इंडस्ट्री में से किसी को फोन करेंगे ठीक है okay. और आपको मैं एक सिचुएशन दूंगी आपने उस सिचुएशन को थोड़ा एक्ट करके क्योंकि इसमें आपकी एक्टिंग स्किल्स नजर आएंगी ठीक है okay. आपने उसको थोड़ा एक्ट करके वो करना है कि मतलब परफॉर्म करना है mm-hmm. तो आपकी सिचुएशन ऐसी कि आप उसको फोन करें और बोले सुनो तुम किधर हो मुझे इसी वक्त 3 लाख रुपए की जरूरत है मैं बुखारी पे खड़ा 3 लाख रुपए तो बहुत गलत बात है 3 लाख रुपए अच्छा चलो 1.5 लाख बोल दो ठीक है Easily, कोई भी समझ जाएगा 2 मिनट में कि अच्छा, ये प्रैंक 50,000 से कम नहीं हो सकता 50,000 मैं बुखारी पे खड़ा हूँ 50,000 लेके फौरन पहुंच and you have to put the industry में से ही होना चाहिए कोई मजा आएगा ना या कोई दोस्त हो जो भी उनका रिएक्शन हमें कैप्चर करना और आपकी एक्टिंग स्किल्स देखनी है कि आप किसी अच्छा, मसले में हाँ आप किसी मसले में पड़ गए हो और सिचुएशन आपकी ये है कि आप उसको डरा दें कि मैं तो एक मसले में फंस गया हूँ जल्दी से 50,000 या 1 लाख रुपए लेके पहुंच मैं बुखारी पे खड़ा अच्छा मेरा दोस्त है साकिब आप स्पीकर पे और एक्टिंग कर रहा शिट यार एक सिचुएशन हो गई है और बस आ गए लोग वालेकुम सलाम क्या हाल है साकिब भाई अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक अच्छा बात सुनो तू किधर है अभी ऑफिस में अच्छा इधर एक इमरजेंसी सीन है मेरा ठीक है मैं इधर हूँ बुखारी पे और मुझे जो है वो चेक वैक मेरे पास है लेकिन मुझे कैश चाहिए 1 लाख रुपए कैश हैं घर चले जा क्या करूँ घर नहीं मुझे यहाँ पे चाहिए कोई यहाँ पे दे सकता है चेक अपना कैश 1 लाख रुपए जल्दी बता जल्दी मिल तो जाओ वो तो जाएगा लेकिन घर पे बंदा हो नहीं हो अच्छा बुखारी पे 2 मिनट लगेंगे तेरे को जाने पे अच्छा रुक 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 बात सुन ये हम एक शो देखा मैंने आपको कहा था मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं वेरी गुड एस्कोबार भाई आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड यार ये हमारा एक शो चल रहा है और एक प्रैंक कॉल करनी थी इसमें कि आप किसी दोस्त से कॉल करें आप पूछें कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत तो कोई दे देगा मैं एक दोस्त में कॉल करूंगा मुझे जब जरूरत होगी मैं आपको फोन करूँ बस ठीक है थैंक यू साकिब भाई थैंक यू जरूरत होगी देखो अगर दोस्त इमरजेंसी में ना आए तो फिर कैसा फायदा नहीं Okay, good. Muneeb, this was good. Okay, so now we'll go towards our last segment, which is called the tongue twister. So, Muneeb, are you ready for the tongue twister? Yes. Ab main aapko ek sentence bolungi, aapne wo tez 5 dafa bolna hai, theek hai? Okay. Oont uncha, oont ki peeth unchi, unchi poonch oont ki.
ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट। वाओ गाइस, मैं नहीं कर सकती। सेकंड, लड़की ने मकड़ी को लड़की से पकड़ा, ओ नहीं, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से पकड़ा, मारा से मारा, लड़की ने मकड़ी को लड़की, एक सेकंड मैं ऐसे, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, लड़की ने मकड़ी को लड़की से मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। Not bad. Okay. She sells seashells by the seashore. 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 Wow, man, Muneeb, आप बहुत talented हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं, इतने लोगों ने गलतियां की है पर आपसे तो गलती भी नहीं हो रही। Oh my God. Anyways, guys, this was a lot of fun. Muneeb was a true trooper, definitely. All right, Muneeb, so जाने से पहले, all I want to say is कि हमारा एक आखिरी सा क्यूट सा सीन होता है जाने से पहले, जो मैं सबको एंड में बताती हूँ, और मैंने वो किसी को भी अभी बगैर किए हुए नहीं जाने दिया है, तो मैं आपको भी वो बगैर किए नहीं जाने दूंगी। और वो है हमारा एक छोटा सा डांस सेगमेंट। तो हम दोनों रोड पे उतरेंगे, ठीक है, गाड़ी के आगे, बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी के आगे, और हम थोड़े से स्टेप्स करेंगे। तो मैं आपके लिए जो गाना लगाऊंगी, आपने उस पर मुझे स्टेप्स करके देखा, and then that, and then आपको इजाजत है और फिर आप जा सकते हैं। He is going away, guys. He's running away. He's running away. Good, good, good. Good job, Muneeb. Good job. Done, guys. See, this is how we end.